कोरोना रोग लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के सभी शराब के ठेकों को बंद किया हुआ है। हालांकि बादरा विधायक बलवान पूनिया ने मुख्यमंत्री को शराब के ठेके खोलने बाबत पत्र भी लिखा है तथा उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि हरियाणा राज्य जहां हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अवैध रूप से लोग जो है शराब बेच रहे हैं और वो जहरीली भी हो सकती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है कि शराब के ठेके खोले जाएं, या तो राज्य सरकार निर्णय है कि खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। इस समय अवैध रूप से ज़िले के अंदर हथकट शराब निकालने वाले व बेचने वाले सक्रिय हैं तथा वे भी लुके छिपे हथकट दारू बेचने का कार्य भी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ राशि डोगरा ने सभी पुलिस अधिकारियों को आज निर्देश भी दिए हैं कि अवैध शराब बेचने वालों तथा हथकट शराब बेचने वालों पर सख्त कदम उठाए जावें तथा छापामारी ज़्यादा से ज़्यादा की जावे। साथ ही उन्होंने पासधारी गाड़ियों तथा बिना पास वाले जो बिना काम के इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं, उनसे भी अपील की है कि वे ऐसा नहीं करें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जावें तथा पुलिस का सहयोग भी करें। हालांकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा हथकट व अवैध शराब के विरुद्ध अभियान भी समय समय पर चलाया जाता है, लेकिन आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद आज पुलिस जो है सक्रिय होकर अवैध शराब तथा हथकट शराब निकालने वालों पर शिकंजा कस सकती है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़। माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगी कि वो लॉकडाउन के रूल्स को ना तोड़ें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस कोरोना की जंग से हम जीत सकें। और ये जो चोरी छुपे या गलत पास बनाते या इस तरह से ये लोग बाहर आ रहे हैं, तो ये पुलिस से चोरी नहीं कर रहे, ये अपनी जिंदगी से चोरी कर रहे हैं और कल को अपने परिवार को भी ये एक संकट में ला सकते हैं। तो मेरी आमजन से यही अपील है कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, आप लोगों को भी उससे परेशानी होगी, इसलिए कृपया अपने घर पर ही रहें। एक मैडम, जो ठेके तो बंद है, अवैध शराब रोकने के लिए आपने क्या अभी सख्त कदम क्या निर्देश दिए हैं अभी इन दिनों? देखिए, मेरी तरफ से सभी एसएचओज और सभी अधिकारियों को ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें, अवैध शराब, हथकड़ शराब या बाहर से कोई शराब आ रही है। और जनता से अपील है कि इस तरह किसी भी शोर से शराब पिएंगे और कल को कोई भी इसकी क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं लॉकडाउन से अभी तक, कुछ 20 मुकदमे अलग अलग थाने क्षेत्र में कर लिए हैं। और जो ये हथकड़ शराब बनाने की जो भी ये इनका सिस्टम होता है उसको भी नष्ट किया है, आगे भी करते रहेंगे।